नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। अमेरिका में हुए आतंकी हमले 9/11 की आज 20वीं वर्षी है। आज ही के दिन साल 2011 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादियों ने 2 यात्री विमानों की टक्कर करा दी थी। इस दिन को अमेरिका के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाता है। इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात फोन कॉल से 9/11 जैसे हमले की धमकी दी गई। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 10 सितंबर देर रात लंदन जाने वाली एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों को आए धमकी भरे कॉल के बाद से एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि फ़ोन करने वाले ने अमेरिका में 9/11 के हमले की तर्ज पर लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक बाहरी दिल्ली के रहुल्ला पुलिस स्टेशन को 9 सितंबर की रात बम की धमकी का फ़ोन आया, जिसके बाद IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया। वहीं समाचार एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि हमें लंदन जाने वाले एक विमान के बारे में बम की धमकी का कॉल आया था। फ़ोन करने वाले ने कहा कि अमेरिका में 9/11 के हमले की तर्ज पर लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान को उड़ा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस को भी 10 सितंबर को एक अलग धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि अज्ञात बदमाश दिल्ली हवाई अड्डे को हाईजैक करने का इरादा बना रहे हैं। समाचार एजेंसी ने बताया, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फ़ोन करने वाले आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया वन इंडिया हिंदी के साथ।